मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहार, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का ब्लॉग्स मैंने सुबह 9:30 बजे स्टार्ट किया है और अभी मैं यहाँ पर अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये बेडशीट 7-8 दिन से बिछी हुई थी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और कल मैं चाहती थी कि इनको मैं चेंज कर दूँ, लेकिन कल बहुत सारे काम हो गए थे तो मैं इसको नहीं चेंज कर पाई। लेकिन आज मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, अभी मैं सारी बेडशीट चेंज करके और इनको मशीन में डाल दूँगी और कल सुबह उठ के मशीन लगाऊँगी तो मैं इनको धो के सुखा दूँगी। और अभी मैंने घिया की सब्ज़ी बना के रख दी है, आटा नहीं लगाया है। पहले मैं नहाने के लिए जाऊंगी क्योंकि आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है और बाकी के सारे काम मेरे हो चुके हैं, तो पहले नहा के आऊंगी और फिर आटा लगा के मैं खाना बनाऊंगी। अब ये सुबह 10:30 बजे का टाइम है और अब मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए गई और नहा के मैंने अपने बालों में कंघी की, आटा लगाया और अब रोटी बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने गाय के लिए 2 रोटी बनाई हैं और फ्रेंड्स, से कुकर को भी मैंने नहाने से पहले ही खाली कर दिया था। सबकी सब्ज़ी मैंने कटोरियों में डाल के और ढक के रख दी थी और लस्सी भी मैंने सबकी अलग अलग डाल के रखी हुई है। तो अब मैं फटाफट खाना बना के और सबको खिला देती हूँ। तो आप भी आजिए, घिया की सब्ज़ी है, ताज़ी लस्सी है, मक्खन है और गर्मा गर्म रोटी है, तो सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। किचन के काम से फ्री होने के बाद अब मैं अपनी सिलाइयाँ लेके बैठ गई हूँ क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप पर एक डिज़ाइन की पिक भेजी है और वो पिक भी उल्टी साइड की है, सीधी साइड की नहीं है। मैंने उनसे बोला भी था कि इस डिज़ाइन को आप सीधी साइड से भेज दीजिए ताकि इसे समझने में आसानी हो जाए, लेकिन उन्होंने बताया कि ये उन्होंने किसी और से मंगवाई है और उन्होंने सीधी साइड की पिक भेजने से मना कर दिया है और मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप इसे बनाकर बताइए कि ये कैसे बनाया गया है। तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी उल्टी साइड से इसे देख कर बनाने की कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है और फिर इस डिज़ाइन का सैंपल तैयार करने के बाद मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये 4:00 बजे का टाइम है और अभी मैं किचन में आई हूँ और विशाल और अनुज ने आज दिन में ही बोल दिया था कि शाम के टाइम आज हम केले का जूस नहीं पियेंगे, तो उसी टाइम मैंने इनके लिए काले चने भिगो के रख दिए थे क्योंकि बच्चों को कुछ तो खाने पीने के लिए चाहिए और रोटी मेरे बच्चे दिन में बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो काले चने मैंने गैस पर बॉयल करने के लिए रख दिए हैं और अब इसकी दादी जी के लिए मैं जूस बना दूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स करके पूछा है कि केले का जूस कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये केले का जूस बनाना बहुत ही आसान होता है। अब इस सिर्फ इसकी दादी जी के लिए जूस बनाना है तो मैंने 1 केला लिया है, 1 गिलास दूध लिया है और इसमें मैंने बिल्कुल छोटी चम्मच है तो 1.5 चम्मच चीनी डाली है। अगर बड़ी चम्मच हो तो 1 ही चम्मच काफ़ी है। और चीनी डालने के बाद या तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं या मेरे पास ब्लाइंडर है तो मैं इसी से इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। जब केला बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए तब इसमें दूध डाल के और इसको एक बार मिक्स कर देंगे तो केले का जूस बन जाता है। और अब मैं इसकी दादी जी को इसे पीने के लिए दे देती हूँ और फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। फ्रेंड्स, इसकी दादी जी को जूस देने के बाद मैंने गैस पर चाय बनने के लिए रख दी है और जो काले चने मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे वो भी बॉईल हो चुके हैं। और अब ये इसके पापा जी जो सुबह केले लेकर आए थे तो मैंने इनको धो के रख दिया था, तो अब इनका पानी बिल्कुल अच्छे से निचड़ चुका है तो मैं इनको अखबार में रैप करके और फ्रिज में रख दूँगी तो ये कई दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। चाय भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, तो आप भी आजिए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए। और चाय पीने के बाद ये जो डिज़ाइन के लिए मैं सैंपल बना रही हूँ इसे कंप्लीट करूँगी और फिर मैं इसकी वीडियो शूट करूँगी। तो
फ्रेंड्स ये रात 8 बजे का टाइम है और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ राजमा चावल। और राजमा को मैंने जब दूध को बॉईल किया था तो उसी टाइम मैंने इसमें 4 सीटी लगवा दी थी, तो राजमा मेरी बॉईल हो गई, तैयार हो गई थी। अब मैंने एक चूल्हे पर चावल बनने के लिए रख दिए हैं और दूसरे पर अब मैं राजमा में तड़का लगा दूँगी, तो मेरा फटाफट काम हो जाएगा। और फ्रेंड्स रात के खाने में मेरे बच्चे दाल रोटी या दाल चावल खाना पसंद करते हैं। दाल चाहे कोई भी हो, राजमा हो, मिक्स वाली दाल हो या सिर्फ मूंग मसूर की दाल हो, लेकिन अगर रात के खाने में इनको दाल मिलती है तो ये ज़्यादा खुश होते हैं। सब्जी बनाती हूँ तब ये खुश नहीं होते हैं। और जैसे अब गर्मी का मौसम है तो कभी कभी मैं नमकीन दलिया भी बना लेती हूँ, तो उसे ये खुश होकर खा लेते हैं। लेकिन अगर किसी दिन मैं मीठा दलिया बना दूँ तो बच्चे बिल्कुल भी खा के खुश नहीं होते हैं। इनकी दादी जी और इनके पापा जी तो खुश होकर खाते हैं मीठे दलिये को, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और जैसे नमकीन चावल हम बोलते हैं, जिसको नमकीन पुलाव बोलते हैं, बच्चे उसको खुश होकर खाते हैं तो फिर इसके पापा जी को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसलिए जब मैं नमकीन पुलाव बनाती हूँ तो उस टाइम पे इसके पापा जी के लिए मैं रोटी बना के रख देती हूँ। तो मैं अभी फटाफट रात का खाना बना के सबको खिला देती हूँ और फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबके साथ बैठ कर थोड़ी सी देर बात करूँगी। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स अब रात के 11 बज चुके हैं और अब मैं अपने सब काम से फ्री होने के बाद नहा के आई हूँ, तो सोचा कि आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स जो उस दिन मैंने आपको अपना सूट कट करके दिखाया था कि मैं इस सूट को सिलने वाली हूँ, तो उसकी सलवार तो मैंने सिल के कम्प्लीट कर दी है। और आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी बहुत इसके जम्फर की सिलाई भी करूँगी, लेकिन कल मेरी एक सब्सक्राइबर हैं अमनदीप कौर जी, जिन्होंने व्हाट्सएप पर एक डिज़ाइन की पिक भेजी थी और रिक्वेस्ट की थी कि इस डिज़ाइन को बनाकर बताइए, ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसे बनाना चाहती हूँ। लेकिन उस डिज़ाइन में प्रॉब्लम ये थी कि वो डिज़ाइन उल्टी साइड से था, सीधी साइड से नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी डिज़ाइन को पिक में देखकर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर डिज़ाइन उल्टी साइड से हो तब तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर आज किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर मैं बैठी और उस डिज़ाइन को समझने में मुझे आधा घंटा लग गया। और फिर उसके बाद फिर जैसे समझा कि भाई इसमें मल्टीपल कितने फंदे का चलेगा और ये बनेगा कैसे, उसके बाद फिर मैंने उसका एक सैंपल तैयार किया है और फिर उसकी वीडियो बनाई है। तो ये देखिएगा, ये वो डिज़ाइन है जो अमनदीप कौर जी ने मेरे व्हाट्सएप पर पिक भेजी थी। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन की जो पिक है वो इस साइड से आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस साइड से इस डिज़ाइन को समझना कितना मुश्किल होगा कि ये बनाया कैसे है। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाया गया है, मैंने यहाँ से इस डिज़ाइन का आइडिया लगाया था कि ये डिज़ाइन किस तरीके से बन सकता है। और फिर इसमें फंदे का जो मल्टीपल है, ये जो जाली बीच में बनाई गई है, इस हिसाब से मैंने इसका आइडिया लगाया कि हम इसमें कितने का मल्टीपल लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और उन्होंने जो पिक भेजी है वो 3 कलर की बनाई हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ 2 कलर में बनाया है तो 1, 2 और यहाँ पर 3रा कलर लगाया गया है, तो 3 कलर में इसकी लुक जो आ रही है उल्टी साइड से भी बहुत ही सुंदर आ रही है। तो इस डिज़ाइन को सिंगल कलर, डबल कलर, ट्रिपल कलर या मल्टी कलर किसी भी तरह से बना सकती हैं, सभी तरह से इसकी लुक बहुत ही सुंदर आएगी। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, किसी के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप पास से देख सकती हैं, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन की वीडियो कल मैं नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो आप में से किसी को भी अगर ये डिज़ाइन बनाना हो या किसी प्रोजेक्ट पर अप्लाई करना हो, जैसे कि इस टाइम पर बहुतों के पास ऐसा होगा कि बिल्कुल इतनी इतनी ऊन बची होगी जो ये नहीं समझ में आता है कि इस ऊन को मैं कहाँ पर लगाऊं, तो वो जो इतनी इतनी सी ऊन होती है उससे ये जैसे एक डिज़ाइन बन जाएगा, फिर दूसरे से दूसरा डिज़ाइन बन जाएगा। तो इस तरह से करके आप कोई भी बेबी स्वेटर या अपने लिए हाफ़ कार्डिगन या कुछ भी बना सकती हैं, तो आपकी ऊन भी लग जाएगी और ये प्यारा सा डिज़ाइन आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो इसकी वीडियो आपको कल नीटिंग लेसन चैनल पर मिलेगी, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, तो मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छा परिवार मिला है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मुझे भाई, बहन, मित्र सब कुछ मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर मुझे एक तो बहुत ही अच्छा भाई मिला है, क्योंकि इस दुनिया में सब रिश्ते मिल जाते हैं लेकिन भाई मिलना बहुत मुश्किल काम होता है,
और मेरे उस भाई का नाम है करमवीर सिंह, जो कि पंजाब मोगा के रहने वाले हैं। तो भाई मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी वीडियो इतने प्यार से देखते हैं और इतने अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स होते हैं कि जब मैं उनको पढ़ती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला है। तो मैं आपको दिल से थैंक यू करती हूँ। अब भाई ये मुझे नहीं पता है कि आप मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे छोटे हैं तो मैं थोड़ी बड़ी बहन होने के नाते आपको बहुत सारा प्यार देती हूँ, और अगर आप मुझसे बड़े हैं तो छोटी बहन होने के नाते मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। और फ्रेंड्स, भाई मिलना सच में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। तो इसलिए वो भी YouTube पर भाई का मिलना, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वैसे मुझे कई भाई मिले हैं, जो कि कुछ तो मुझे पाकिस्तान से मिले हैं, जो मेरे साथ एक भाई का रिश्ता निभा रहे हैं, एक भाई बन के मेरी वीडियो देखते हैं। अब ये नहीं है कि भाई मुझे सिर्फ यहीं से मिले, नहीं, मुझे पाकिस्तान से भी कई भाई मिले हैं, कई बहनें मिली हैं, कई मित्र मिले हैं, जिनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ और जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी वीडियो का वेट भी करते हैं। तो मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और फ्रेंड्स, वैसे जैसे अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो नीटिंग का काम करने का कम ही मन करता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो व्हाट्सएप पर आए हुए हैं जिनको मैंने कंप्लीट करना है। तो आप ये मत समझना कि हमने इतने दिन से आपको पिक भेजी हुई हैं और आपने वो प्रोजेक्ट पूरे करके नहीं दिए हैं। तो इसका रीज़न यही है कि इस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ी सी देर जब नीटिंग करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है और गर्मी लगने लग जाती है, तो जिस वजह से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है। लेकिन जिस जिस के भी प्रोजेक्ट आए हुए हैं बनाने के लिए कि भी इसको बना के बताइए, मैं सबके बताऊँगी। अगर किसी की पिक मेरे से डिलीट भी हो जाती है तो मैं दोबारा से मंगवा लेती हूँ, और दो प्रोजेक्ट तो मैंने स्टार्ट भी किए हुए हैं। तो जैसे जैसे वो बनते जाएंगे, थोड़ी सी गर्मी कम होएगी तभी वो पूरे हो पाएंगे, इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर मैं उनकी वीडियो अपलोड कर दूंगी और आप सबको यहाँ ब्लॉग चैनल पर मैं बता भी दूंगी कि मैंने कौन से चैनल पर कौन सी वीडियो अपलोड की है। तो यही कारण है कि उनमें देरी हो रही गर्मी की वजह से। और बहुत सारे सब्सक्राइबर के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं तो कुछ के कॉल आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे कॉल ना किया करो, क्योंकि जब आपकी कॉल आती है और मैं नहीं उठा पाती हूँ तो मुझे बुरा बहुत लगता है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं काफ़ी बिजी होती हूँ, इस वजह से मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाती। तो प्लीज़ आपको जब भी मुझसे कुछ पूछना हो, कोई काम हो, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। क्योंकि व्हाट्सएप का तो क्या होता है कि जैसे ही काम से फ्री होती हूँ, फ़ोन लेके बैठती हूँ तो चेक कर लेती हूँ, चाहे रात के 2 बजे हों तो भी मैं अपने सब्सक्राइबर को उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आपको कोई काम हो, कुछ पूछना हो, कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अगर जब आपकी कॉल आती है और मैं नहीं उठा पाती हूँ तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा दुख मुझे होता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर की कॉल को अटेंड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। और मेरे माँ बाप का भी, जैसे मेरी मायके से मेरी माँ का या भाभी का फ़ोन आ जाता है तो कई बार मैं उनके भी नहीं उठा पाती हूँ, ये नहीं है कि मैं आपका ही नहीं उठाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।